चारानो कैसर अंपायर्स द्वारा। अजय और स्काई प्रारंभिक जोड़ी के रूप में गेंदबाजी के ऊपर अनुप फ्लोर डिलीवरी। एक और बार हवा में गेंद, ये देखे यहां पर पीछा किया जा रहा है। 4 रन देखे के दूसरा चौका। अजय मौजूद है वहां पर, देखे बल्लेबाजी के ऊपर। कट करने का प्रयास, देखिए यह खूबसूरत गेंदबाजी, देखिए डॉट गेंद के साथ वापसी की जा रही है। गेंदबाज अनुप पटेल काफी तजुर्बेकार ऑलराउंडर है डीएचई वर्ष की ओर से। ये क्या खूबसूरत लॉन्ग स्वीप, देखिए वहां पर गेंद जा रही है बैकवर्ड स्क्वायर लेग के स्थान पर। जब तक कि पीछा किया गया, फील्ड किया गया तब तक 1 रन। 1 रन के साथ स्कोर इस बीच आगे बढ़ता है। 9 रन पारी का प्रारंभिक ओवर। पहले देखिए टॉस जीता गया बजरंग इलेवन की ओर से, पहले बल्लेबाजी का निर्णय लिया गया। अब आया स्काई, फ्लोर डिलीवरी कट किया जा रहा है। देखिए गेंद जा रही है कवर्स के स्थान पर। ये 4 रन देखिए, 4 रनों के साथ देखिए स्काई ने अपना खाता खोला। इन 4 रनों के साथ बजरंग इलेवन 13 रन। ये महंगा ओवर साबित होता हुआ प्रारंभिक ओवर है। अनुप के रूप में काफी लंबा अनुभव रखते हैं गेंदबाजी पर, महत्वपूर्ण गेंदबाज है, बेहतरीन बल्लेबाजी दोनों ही बल्लेबाज है स्काई और अजय के बीच में प्रारंभिक जोड़ी के रूप में आए हैं। गुडलैंड डिलीवरी इस बार क्या खूबसूरत डीप इन क्रीज जाकर के फुल स्ट्रोक को खेला गया है। गेंद गई वहां पर डीप मिड विकेट के स्थान पर। जब तक कि 4 रन पहले ओवर से 17 रन बिना किसी विकेट के नुकसान के ऊपर बजरंग इलेवन। देखिए एक डीप मिड विकेट और एक लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइंस के ऊपर फील्डर को शामिल किया गया है। पावर प्ले का दूसरा ओवर, शॉर्ट ऑफ लाइन डिलीवरी कट करने का प्रयास। देखिए केयूर आए हैं नए गेंदबाज के तौर पर कोटे का, उनका यह पहला ओवर पारी का दूसरा ओवर लेकर आए हैं। बॉलिंग मार्क के ऊपर बल्लेबाजी के ऊपर अजय, इस बार कट किया गया है। देखिए गेंद गई वहां पर, वहां पर मिस फील्ड होती हुई। 4 रनों से खम्भे का साथ भुगतना पड़ गया। 4 रनों के साथ बजरंग इलेवन 21 रन। क्या खूबसूरत इस बार स्ट्रेट ड्राइव हवा में गेंद, क्या खूबसूरत कैच देखिए। केयूर द्वारा विकेट के साथ वापसी की जा रही है। देखिए इस बार अजय को चलता किया, ये पहले विकेट का नुकसान बजरंग इलेवन। 17 रनों पे लगने वाला है पहले विकेट का नुकसान। विजय भाई आए नए बल्लेबाज के तौर पर, देखे बजरंग इलेवन के काफी महत्वपूर्ण बल्लेबाज है, ऊपरी क्रम के महत्वपूर्ण बल्लेबाज है, तीसरे क्रम के बल्लेबाज के तौर पर आए हैं बल्लेबाजी के ऊपर। गुडलैंड डिलीवरी रिवर्स स्वीप खेला गया है वहां पर, देखिए हल्की सी मिसफील्ड जरूर हुई वहां पर, केवल 1 रन
से संतुष्ट होना पड़ेगा। इस एक रन के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर बजरंग 11-22, 22 रन पारी का यह दूसरा ओवर। गेंदबाजी के ऊपर है केयूर, अब आए हैं बल्लेबाजी के ऊपर स्काई। ये स्ट्रेट ड्राइव, या क्या खूबसूरत स्ट्रेट ड्राइव, देखिए स्ट्रेट लॉन्ग ऑन के ऊपर से। चार रनों का इशारा सुनिश्चित किया जा रहा है अंपायर महोदय राहुल ठाकुर सर की ओर से। इन चार रनों के साथ स्कोर इस बीच आगे बढ़ता 26, ये महंगा ओवर साबित होता हुआ। ये क्या खूबसूरत है, इस बार पुल स्ट्रोक खेला गया है डीप मिड विकेट के ऊपर से 6 रन। दो ओवर की समाप्ति के बाद बजरंगी इलेवन 32-32 रन, ये दोनों ही प्रारंभिक ओवर महंगे साबित होते हैं। खुद कप्तान मुकुंद रॉय चौधरी देखे तीसरे ओवर से कोटे का, उनका यह पहला ओवर पारी का तीसरा ओवर लेकर आए हैं बॉलिंग मार्क पर। जड़ों में डाली गई गेंद अपने ही फॉलो थ्रू में, देखे क्या खूबसूरत फील्ड किया गया, हल्के हाथों से खेला गया स्ट्रोक, डाउन द ग्राउंड स्ट्रोक को खेला गया था। डॉट गेंद के साथ देखिए ओवर की शुरुआत की जा रही है मुकुंद रॉय चौधरी द्वारा। फुल टॉस गेंद इस बार कट किया गया, देखिए गेंद जा रही है कवर्स के स्थान पर, पीछा किया जा रहा है निश्चित रूप से अपनी टीम के लिए। तीसरे रन के लिए निकल पड़े, रन आउट होने का खतरा देखिए यहाँ पर। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट्स वहां पर दोनों ही बल्लेबाज स्काई और विजय भाई के बीच। स्कोर इस बीच आगे बढ़ता 35-35 रन पारी का ये ओवर नंबर 3। गेंदबाजी के ऊपर मुकुंद रॉय चौधरी, अब सामने बल्लेबाजी के ऊपर आए हैं स्काई। निजी 18 रनों पे खेल रहे हैं, 4 गेंदों का सामना किया है जिसमें 3 चौके 1 सिक्सर शामिल। ये इस बार गुडलैंड डिलीवरी हल्के हाथों से दिशा दिखाई गई, देखिए वहां पर गेंद गई वहां पर बैकवर्ड पॉइंट के स्थान पर, केवल 1 रन। विरल पटेल मौजूद है देखिए वहां पर। ये क्या खूबसूरत गेंदबाजी, देखिए डॉट गेंद के साथ वापसी की जा रही है मुकुंद रॉय चौधरी। रुका हुआ 35-35 रन। पुल स्ट्रोक खेला गया हवा में, गेंद गेंद जा रही है वहां पर शॉट, फेयर लेग बैकवर्ड्स के स्थान पर, प्रेस मौजूद देखे वहां पर, केवल 1 रन। इस 1 रन के साथ स्कोर इस बीच आगे बढ़ता 37-37 रन पारी का ये ओवर नंबर 3। गेंदबाजी के ऊपर है मुकुंद रॉय चौधरी। खूबसूरत गेंद, ये काफी खूबसूरत गेंद, देखिए डॉट गेंद के साथ ओवर की समाप्ति, 3 ओवर की समाप्ति पर बजरंग 11-37-37 रन 1 विकेट के नुकसान के ऊपर। अजय आए हैं नए गेंदबाज के तौर पर, ये चौथे क्रम के महत्वपूर्ण गेंदबाज अजय। सामने बल्लेबाजी के ऊपर स्काई, नॉट स्ट्राइक विजय भाई, नॉट स्ट्राइक एंड के ऊपर स्काई।
कोटे का उनका ये पहला ओवर पारी का चौथा ओवर लेकर आए हैं बॉलिंग मार्क के ऊपर अजय। शॉर्ट ऑफ लाइन डिलीवरी, बाहरी किनारा जरूर लगा गए बल्ले का। एक रन के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 38-38 रन। क्या खूबसूरत है, बेहतर गेंद, हल्की सी नीचे रहती हुई गेंद शॉर्ट गेंद में तब्दील होती हुई। स्कोर अभी रुका हुआ 38 पारी का, यह चौथा ओवर। शॉर्ट ऑफ लाइन डिलीवरी, फुल स्ट्रोक खेला गया इस बार डीप मिड विकेट के ऊपर से। 6 रन, इन 6 रनों के साथ स्कोर इस बीच आगे बढ़ता हुआ 44-44 रन पारी का चौथा ओवर। इस बार देखिए क्या खूबसूरत स्विप स्ट्रोक खेला गया, गेंद गई वहां पर स्क्वेयर डीप स्क्वेयर लेग के स्थान पर, जब तक कि फील्ड किया गया ओवर आर्म थ्रो दिया गया विकेट कीपर मिहिर की ओर, तब तक 1 रन। और इस बीच आगे बढ़ता है 45-45 रन। ये लो फुल टॉस गेंद, पंच स्ट्रोक खेला गया है वो लॉन्ग ऑफ बाउंड्री लाइन की दिशा में, जब तक कि फील्ड किया गया तब तक 1 रन। इसी 1 रन के साथ स्कोर इस बीच आगे बढ़ता हुआ 46-46 रन पारी का चौथा ओवर। चौथे ओवर से अंतिम गेंद सामने गेंदबाज अजय, अब स्ट्राइक पर आए हैं स्काई। निजी 26 रनों के ऊपर खेल रहे हैं, 9 गेंदों का सामना किया गया है, 3 चौके 2 सिक्सर्स की सहायता से। ये स्लो ओवर डिलीवरी देखिए क्या खूबसूरत, इस पर स्क्वेयर लेग के स्थान के ऊपर बेहतरीन थ्रो वहां पर। 4 ओवर की समाप्ति हो चुकी है, बजरंग 11 47 एक विकेट के नुकसान के ऊपर। अब जुड़ जाएंगे हमारे साथ मेरे साथी कमेंटेटर रवि रवि मिस्त्री सर। ओवर टू रवि मिस्त्री। गेंदबाजी के ऊपर मुकुंद चौधरी को शामिल किया गया है, धन्यवाद साथी कमेंटेटर्स कल्पित चौधरी साहब। अब स्कोर जहां पहुंचे 48 एक विकेट के नुकसान के ऊपर, 5वां ओवर प्रगति के ऊपर भी है। आकाश स्काई की बात छेड़ी जाए तो 11 गेंदों के ऊपर 28 रनों की पारी खेली जा रही है अपने व्यक्तिगत स्कोर के ऊपर। विजय पटेल की बात छेड़ी जाए तो 7 गेंदों के ऊपर 7 रन बनाए हैं और इस बार उड़ाया है सीधे बल्ले से स्ट्रोक को खेला गया 6 रनों के लिए। जहां विजय भी बात छेड़ी तो वहां छक्का बटोर लिया है, एक ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की जा रही है। अब 54 रन एक विकेट के नुकसान के ऊपर, 5वां ओवर प्रगति के ऊपर भी है। इस बार फिर से लोअर फुलटोस गेंद थी, कलाई के सारे स्ट्रोक खेलना चाहते थे लेकिन 1 ही रन से संतुष्ट रहना पड़ेगा बल्लेबाज विजय पटेल को। अब स्कोर जहां पहुंचा है 55 रन एक विकेट के नुकसान के ऊपर और स्ट्राइक के ऊपर आकाश काई, बहुत ही विस्फोटक बल्लेबाज है, विश्वसनीय बल्लेबाज को शामिल किया गया है।
इस बार मना कर दिया, शॉट एक्स्ट्रा कवर के ऊपर फील्डिंग की जा रही है अजय की ओर से। इस बार फिर से कट किया है, डीप बैकवर्ड पॉइंट के बाउंड्री लाइन के ऊपर तैनात किया गया था फील्डर को वीरेन वेलणपुर की ओर से। एक ही रन से संतुष्ट रहना पड़ेगा, अब स्कोर जा पहुंचे 56, 56 रन एक विकेट के नुकसान के ऊपर। जो तीन हैट्रिक छक्के लगाएंगे तो एच एवर राइस की ओर से टीशर्ट दिए जाएगी। और इस बार फिर से शॉर्ट आर्म पुल खेला है, नो मैन लैंड गिरती हुई गेंद और काफी अच्छी फील्डिंग करते हुए पिंटू पटेल की ओर से अच्छी रनिंग मिनट भी देखने को मिलते हुए। पांच ओवर की समाप्ति पे स्कोर जा पहुंचा है 58 रन एक विकेट के नुकसान के ऊपर। बजरंग 11 का स्कोर जा पहुंचा है। यहां से आने वाली 18 गेंद भी शेष है, देखना होगा आने वाली 18 गेंदों के ऊपर कैसी रणनीति लगाई जाए बजरंग 11 की ओर से और दोनों बल्लेबाज की ओर से। स्कोर जा पहुंचे 59 एक विकेट के नुकसान के ऊपर भी है। स्ट्राइक के ऊपर विजय पटेल बल्लेबाजी के ऊपर, इस बार आगे चल के स्ट्रोक को खेलना चाहते थे, बल्ले का धीरी किनारा भी लगा है। शॉट फाइन लेग के ऊपर फील्डिंग की जा रही है परेश पटेल की ओर से और आसानी से एक रन चुरा लेते हुए स्कोर में बढ़ती होती हुई 60 रनों के ऊपर। छठा ओवर प्रगति के ऊपर भी है, और इस बार हवा में गेंद है, देखना होगा। अजय ने आसान सा कैच पकड़ लिया डीप पॉइंट बाउंड्री लाइन के ऊपर, बहुत ही खूबसूरत कैच लिया गया है, बड़ी मछली को जाल में फंसाया है। जानबूझ के ये गेंद डाली गई थी, जहां विकेट की दरकार थी वो दरकार को हासिल करते हुए बड़ी विकेट मिलती हुई। अब बंटी नायका बल्लेबाजी के ऊपर, डेचिवर्स की ओर से जो अच्छा कैच लिया गया है, अजय की ओर से जो घरेलू क्रिकेट खेलते हैं, कानी की ओर से खेलते हैं, बहुत ही खूबसूरत पहली मर्तबा भी महुआ तालुका प्रीमियर लीग में देखने को मिले हैं। बल्लेबाजी के ऊपर बंटी नायका और गेंदबाजी के ऊपर अनुपक्का। और इस बार हवा में गेंद है, दिख रहा डीप मिड विकेट के ऊपर से 6 रन, पहली गेंद के ऊपर छक्का बटोर लिया है बंटी नायका ने भी। वो पवेलियन से ही सेट होके आए हैं, ताबड़तोड़ बल्लेबाज भी है। जो तीसरी क्रम के ऊपर बल्लेबाजी का मौका मिला है और इस बार भी से पंच कर दिया है, ये फ्लैट 6, लगातार दो गेंदों के ऊपर दो छक्के जड़ चुके हैं और एक छक्का लगाएंगे तो एच जे एवर राइस की तरफ से टी शर्ट भी मिलेगी आपको, वो भी ध्यान में रखना होगा। वन ऑफ द बेस्ट है आज का ये फ्लैट 6 देखने को मिलता हुआ। स्कोर जा पहुंचा है 72, 72 रन दो विकेट के नुकसान के ऊपर। लगातार दो गेंदों के ऊपर दो छक्के लगा चुके हैं, देखना होगा ये हैट्रिक के ऊपर भी है। और इस बार जमीन के समान अंतर स्ट्रोक को भी खेला गया है, कोशिश तो हर की गई थी छक्के के लिए लेकिन नाकामयाबी मिलती हुई बल्लेबाज बंटी नायका को। अब स्कोर जा पहुंचा है 73, 6 ओवर की समाप्ति हो चुकी है 73 दो विकेट के नुकसान के ऊपर।
यहां से आने वाली 12 गेंद भी शेष है। जो गेंदबाजी का लेखा जोखा की बात छेड़ी जाए, अनुपात पक्का है। दो ओवर डाले हैं, 32 रन खर्च किए, एक सफलता हर जीत की है। इस बार फिर से शॉट एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से स्ट्रोक को खेला गया, एक टप्पा खाने के बाद सीमा रेखा के बाहर, 4 रनों के लिए। एक ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की जा रही है बजरंग 11 की ओर से, बंटी नायका की ओर से भी, जो अपना जलवा दिखाते हुए बल्लेबाजी में स्कोर जा पहुंचा है 77, दो विकेट के नुकसान के ऊपर बजरंग 11 का स्कोर जा पहुंचा है। यहां से 11 गेंद शेष भी है, ऐसी कोशिश रहेगी कि 53 अंकों में प्राप्ति किया जाए बजरंग 11 की ओर से। और इस बार हेलीकॉप्टर स्ट्रोक खेला गया सीधे बल्ले से, और ये 4 रन, काफी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की जा रही है बंटी नायका की ओर से। लगातार दो गेंदों के ऊपर दो चौके लगा चुके हैं। अब स्कोर जा पहुंचा 81। यहां से 10 गेंद शेष भी है। इस बार फिर से शॉर्ट आर्म फुल खेलने की कोशिश, लेकिन बॉल और बैट का कोई संगम नहीं देखने को मिलता हुआ। एक ताबड़तोड़ बल्लेबाजी भी की जा रही है। 4 गेंदों के ऊपर 17 रन बना चुके हैं बंटी नायका। इस बार हवा में गेंद थी, नो मैन लैंड में गेंद गिरती हुई। सात गेंदों के ऊपर 22 रन की पारी खेली जा रही है बंटी नायका की ओर से, और 11 गेंदों के ऊपर 17 रनों के ऊपर खेल रहे हैं विजय पटेल। और इस बार फिर से हवा में गेंद है, देखना होगा फील्डर तैनात है इस मरतबा। नो मैन लैंड में गेंद गिरी है, और ये मौका जरूर आसानी से 2 रन चुरा लेती हुई, अच्छी रनिंग बिटवीन भी देखने को मिलती हुई। जहां 1 रन था वहां 2 रन चुरा लिए, ये बंटी नायका की चतुर चालाक वाली रनिंग बिटवीन देखने को मिलती हुई। अब स्कोर जहां पहुंचे 84। इस ओवर की ये आखिरी गेंद भी रहेगी, और इस बार फिर से शॉर्ट आर्म फुल खेला है, हवा में गेंद, आसान सा कैच, परेश पटेल ने कैच ले लिया है। सातवें ओवर की अंतिम गेंद के ऊपर विकेट गिरता हुआ विजय पटेल का। 7 ओवर की समाप्ति हो चुकी है, स्कोर जहां पहुंचा है 84, 3 विकेट के नुकसान के ऊपर बजरंग 11 का स्कोर जहां पहुंचा है। यहां से आने वाली 6 गेंद शेष है, आने वाली 6 गेंदों के ऊपर ऐसी भी कोशिश रहेगी कि बल्लेबाजी वाली टीम के ऊपर के 10 से 15 रन जोड़े जाए, और गेंदबाजी वाली टीम की ओर से ऐसी भी कोशिश रहेगी कि 10 के अंदर रोका जाए। जो गेंदबाजी के ऊपर अजय जो घरेलू क्रिकेट खेलते हैं कहानी की ओर से, महुआ तालुका में पहली मरतबा एमपीएल डेब्यू खिलाड़ी है। इस बार स्लोवर गेंद डाली गई, अंपायर राहुल सर की ओर से वाइट करार भी दिए गए। 31 रन के साथ स्कोर जा पहुंचा 85। इस बार बहुत ही जोर से बल्ला घुमाया, लेकिन बॉल और बैट का कोई संगम नहीं देखने को मिलता हुआ। गेंदबाजी में अजय को शामिल किया गया है, इमर्जिंग गेंदबाज भी है, पहली मर्तबा महुआ तालुका प्रीमियर लीग में देखने को मिले हैं। इस बार बल्ले का अधूरी किनारा लगा और सफलता मिलती हुई अजय को, और चौथे विकेट का पतन देखने को मिलता हुआ 85 लॉट्स ऑफ 4 विकेट के नुकसान के ऊपर। बल्लेबाजी के ऊपर गौरव गराशिया, दोनों ही स्ट्राइक के ऊपर भी नए बल्लेबाज है, नॉन स्ट्राइक के ऊपर भी नए बल्लेबाज है, देखना होगा अब कैसी बल्लेबाजी करते हैं। यहां से 4 गेंद शेष है ये इनिंग की, पहले इनिंग की 4 गेंद शेष है, देखना होगा 4 गेंदों के ऊपर कितने रन बटर पाती है, और गेंदबाजी वाली टीम की ओर से डॉट गेंद या विकेट लिया जा सकता है, देखना होगा अगली गेंद अजय की।
इस बार काफी रनिंग बिटवीन देखता हूँ। ये अच्छा फॉलो थ्रू में गेंद को उठाया, ऑफ द मार्क अपना खाता खोलते हुए गौरव गराशिया। स्कोर जहां पहुंचा 86, 4 विकेट के नुकसान के ऊपर भी है। आखिरी तीन गेंद से देखना होगा, तीन गेंदों के ऊपर तीन छक्के लगाने भी पड़ेंगे और दौड़ गेंद भी हो सकती है गेंदबाज की ओर से। और इस बार 108 गेंद थी, 100 टाइम पुल खेलना चाहते थे। यहां से अब दो गेंद सेज भी है, देखना होगा। कृपांग चौधरी है स्ट्राइक के ऊपर, इस बार फिर से हवा में गेंद और विकेट या कैच ड्रॉप होता हुआ मिहिर पटेल की ओर से। अब स्कोर जहां पहुंचे 87, आखिरी गेंद रहेगी, देखना होगा बल्लेबाज छग्गा लगा पाएंगे या सिंगल लेंगे या डॉट गेंद भी रहेगी। और इस बार फिर से सिंगल ढूंढने की कुछ दूसरे की भी चेष्टा भी की गई है और ये मिसफील्ड देखने को मिलते हुए और सीमा रेखा के बाहर 4 रन। अंतिम गेंद के ऊपर चौका मिलता हुआ मिसफील्ड के जरिए। अब स्कोर जा पहुंचा है 91, जीतने के लिए 92 रन चाहिए, 92 का लक्ष्य दिया गया है। पहले बल्लेबाजी करते हुए स्कोर बनाया गया है 91 और बल्लेबाजी करने के लिए आने वाली टीम के ऊपर जिम्मेदार रहेगा 92 का लक्ष्य रहेगा अचीवर्स की ओर से। अब बल्लेबाजी करते हुए 92 रन बनाने होंगे, ये मुकाबला जीतना है तो आने वाली 48 गेंदों के ऊपर 92 रन बनाने होंगे। जो बॉलिंग समरी देखी जाए तो अनूप पटेल ने 2 ओवर डाले, 32 रन, 1 विकेट हासिल की है। केयूर लालू ने 2 ओवर डाली है, 26 रन खर्च किए हैं, 2 सफलता अर्जित की है। मुकुंद भाई ने 2 ओवर डाली है, 16 रन खर्च किया है, कोई सफलता अर्जित नहीं कर पाए। अजय ने 2 ओवर डाले हैं, 17 रन खर्च किए, 1 सफलता अर्जित की है। इस प्रकार का बॉलिंग समरी है। जो पहले विकेट गिरा था, जो बजरंग 11 का 21 रनों के ऊपर पहला विकेट गिरा था, दूसरा विकेट गिरा था स्काई का जो 60 रनों के ऊपर विकेट गिरा था, और तीसरे विकेट 84 के ऊपर गिरा था तीसरा विकेट। और बंटी नायका जो 85 रन के ऊपर चौथा विकेट का पतन देखने को मिलता है। इस प्रकार की ये समरी बैटिंग लाइनअप में भी देखने को मिलती हुई बजरंग 11 की ओर से। तब अब मेरे साथ जुड़ जाएंगे कमेंट्री बॉक्स में कल्पेश चौधरी सर को मैं विनती करूंगा कि आगे का हाल सुनाया जाए। कमेंट्री बॉक्स में उपस्थित हो, आज की ये आखिरी इनिंग भी है आज फर्स्ट डे का और दोनों ही सलामी बल्लेबाज मैदान के ऊपर पहुंच चुके हैं, तो मैं कल्पेश सर को मैं विनती करूंगा कि आगे का हल सुनाया जाए कमेंट्री बॉक्स में। ओवर टू कल्पेश सर। थैंक यू साथी कमेंटेटर। रवि मिस्त्री सर, पहले देखे टॉस जीता गया बजरंग 11 की ओर से, पहले बल्लेबाजी का निर्णय लिया गया। आज के दिन का अंतिम मुकाबला द अचीवर्स वर्सेस बजरंग 11। नो बॉल का इधर अंपायर द्वारा, हवा में गेंद, भाग्य का सहारा। अतिरिक्त रन के साथ देखिए ओवर की शुरुआत की जा रही है, रन खाता खुलता हुआ, नो बॉल।
दो रन जोड़े जाएंगे स्कोर कार्ड के ऊपर। फ्री हिट रहेगी सामने परेश, क्या खूबसूरत बल्लेबाज है। नौ स्ट्राइक एंड पर अनूप पटेल, पीछा किया जा रहा है 92 92 रनों का निर्धारित 8 ओवरों के अंदर। फ्री हिट है, 6 रनों में तब्दील किया, क्या भरपूर लाभ उठाया जा रहा है। देखिए फ्री हिट का अब स्कोर जा पहुंचा है पहले ये गेंद पर 8 रन। खूबसूरत गेंदबाजी, बल्लेबाजी की शुरुआत देखिए, पीछा भी किया जा रहा है 92 रनों का 92 रन, एक लंबा स्कोर खड़ा किया गया है बजरंग इलेवन की ओर से। लो फुल टॉस गेंद, इस बार घुटना टेका गया, स्वीप स्ट्रोक खेला गया वहां पर, क्या खूबसूरत फील्डिंग वहां पर। मिड विकेट के स्थान पर केवल 1 रन, 1 रन के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 9 रन। पारी का प्रारंभिक ओवर, गेंदबाजी के ऊपर जिगर। आउट ऑफ लाइन डिलीवरी, अवॉइडेड डिलीवरी, अंपायर दिशा से भटके, इस बार वाइड बॉल का इशारा सुनिश्चित किया जा रहा है अंपायर महोदय अनूप टंडेल टंडेल सर की ओर से, अर्जुन टंडेल सर। स्कोर जा पहुंचाए 10 रन पहली दो गेंदों के साथ। गुड लाइन डिलीवरी देखे, हल्की सी अपील जरूर की गई वहां पर, डॉट गेंद में तब्दील होती हुई गेंद, रुका हुआ स्कोर 10 रन। वाइड बॉल का इशारा देखिए अंपायर द्वारा, दिशा से भटकते हुए बार बार अतिरिक्त रन जोड़ी जाएगी स्कोर कार्ड के ऊपर। स्कोर जा पहुंचा है 11 रन। कूलर लाइन डिलीवरी देखिए, इस बार एक डॉट गेंद, क्या खूबसूरत गेंदबाजी। स्कोर अभी भी रुका हुआ 11 11 रन, पारी का प्रारंभिक ओवर। ये क्या खूबसूरत कट किया गया, देखिए 6 रनों का इशारा अंपायर महोदय द्वारा, लॉन्ग ऑफ बाउंड्री लाइन की दिशा में 6 रन जड़े गए अनूप के बल्ले से निकलने वाला यह पहला सिक्सर। 6 रनों के साथ स्कोर इस बीच आगे बढ़ता हुआ 17 रन, क्या खूबसूरत बल्लेबाजी की जा रही है। देखिए दोनों ही छोरों से रन बटोरे जा रहे हैं। नो बॉल का इशारा, गेंद जा रही है स्ट्रेट लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन की दिशा में 4 रनों का भी इशारा, 5 रन जोड़ी जाएंगे स्कोर कार्ड के ऊपर। 5 रन जोड़े जाएंगे देखिए स्कोर कार्ड के ऊपर, स्कोर आगे बढ़ता हुआ 22-22 रन। फ्री हिट भी रहेगी और सामने धुआंधार बल्लेबाज अनूप पटेल, क्या खूबसूरत बल्लेबाजी। स्कोर जा पहुंचाई 22-22 रन, ये पहला ओवर, अंतिम गेंद बाकी है, फ्री हिट रहेगी। फ्री हिट, हवा में गेंद, 1 रन के लिए निकल पड़े हैं। दूसरे रन की मांग जरूर की गई थी वहां पर, नकारा गया साथ ही बल्लेबाज अनूप द्वारा। 1 रन के साथ इस बीच ओवर की समाप्ति हो चुकी है पहले ओवर से 23-23 रन, क्या खूबसूरत शुरुआत मिलती हुई द अचीवर्स को। पीछा किया जा रहा है 92-92 रनों का। करंट रन रेट की अगर बात की जाए तो 23.00, रिक्वायर्ड रन रेट की अगर बात की जाए तो 9.86, लगभग 10 रन प्रति ओवर की औसत से रन बनाने पड़ेंगे द एचीवर्स को अगर ये मैच को जीतना है। सामने प्रारंभिक जोड़ी मौजूद स्ट्राइक पर है अनूप पटेल, नॉन स्ट्राइक एंड के ऊपर परेश। अब गेंदबाजी की जिम्मेवारी सौंपी गई है विजय भाई को, दूसरे क्रम के महत्वपूर्ण गेंदबाज दूर वाले छोर से। कोटे का उनका यह पहला ओवर, पारी का दूसरा ओवर लेकर आए हैं बॉलिंग मार्क के ऊपर सामने बल्लेबाज अनूप पटेल। कूलर लाइन डिलीवरी, हेलीकॉप्टर स्ट्रोक डाउन द ग्राउंड, सामने मौजूद स्ट्रेट मिड ऑफ के ऊपर, क्या खूबसूरत फील्डिंग की गई। डॉट गेंद के साथ देखिए ओवर की शुरुआत की जा रही है, जड़ों में डाली गई गेंद थी।
एक और बार डाउन द ग्राउंड, पैरेलल टू द ग्राउंड, रन आउट होने का खतरा देखे वहां पर, भाग्य का सहारा मिलता हुआ। स्कोर जा पहुंचा है 23, 23 रन, पारी का दूसरा ओवर। प्रगति के ऊपर खूबसूरत फील्डिंग की गई वहां पर बंटी नायका द्वारा, मिड ऑन बाउंड्री लाइन के फील्डर। क्या खूबसूरत पुल स्ट्रोक, फ्लैट है, जरूर है बेहतरीन। क्या खूबसूरत कैच लिया गया, देखे बाउंड्री लाइन के क्षेत्र में डीप मिड विकेट के ऊपर से खेलने का प्रयास किया, ट्रैवल नहीं कर पाए इसके, इस बार गेंद टाइम नहीं कर पाए। बेहतरीन कैच, सेकंड अटेम्प्ट में कैच को लिया गया, खूबसूरत कैच लिया गया वहां पर बाउंड्री लाइन के क्षेत्र में। 23 23 रनों पर लगने वाला यह महत्वपूर्ण पहले विकेट का नुकसान अनूप पटेल के रूप में। टंकिल को शामिल किया गया है, देखिए ऊपरी क्रम के एक महत्वपूर्ण बल्लेबाज है द एचीवर्स की ओर से। नए बल्लेबाज टंकिल सामना करेंगे विजय भाई की अगली गेंद का। क्या खूबसूरत आते ही देखिए इस बार उस कॉर्नर के क्षेत्र में खूबसूरत फील्डिंग की गई वहां पर, निश्चित रूप से दूसरे रन के लिए निकल पड़े हैं, निश्चित रूप से दो रन बचाए गए हैं वहां पर, देखिए बेहतरीन फील्डिंग। इन दो रनों के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 25-25 रन पारी के ओवर नंबर दो। गेंदबाजी के ऊपर है विजय भाई। फुलर लैंड डिलीवरी, इस बार स्लॉग स्विप करा है फील्डर, नीचे मौजूद मिड विकेट के स्थान पर, बेहतर कैच, यह महत्वपूर्ण विकेट टंकिल के रूप में। 26 रनों पर लगने वाला यह दूसरे विकेट का नुकसान था, एचीवर्स पीछा किया जा रहा है 92-92 रनों का। पिंटू पटेल को देखिए शामिल किया गया है नए बल्लेबाज के तौर पर, चौथे क्रम के महत्वपूर्ण बल्लेबाज। परे सभी भी मौजूद है, देखिए नॉन स्ट्राइक एंड के ऊपर गेंदबाजी के ऊपर है विजय भाई। कोटे का पहला ओवर, पारी का दूसरा ओवर लेकर आए हैं, दूसरे ओवर से अंतिम गेंद। स्कोर अभी भी रुका हुआ 25-25 रन, दो विकेट के नुकसान के ऊपर द अचीवर्स 92-92 रनों का देखिए पीछा किया जा रहा है। देखिए हल्के हाथों से दिशा दिखाई गई, इस बार गेंद गई है वहां पर बैकवर्ड स्क्वायर लेग के स्थान पर, केवल एक रन। एक रन के साथ ओवर की समाप्ति होती हुई, दो ओवर की समाप्ति के ऊपर द एचीवर्स 26-26 रन, दो विकेट के नुकसान के ऊपर। अब 36 गेंदों में 66 रनों की दरकार, मतलब प्रति ओवर 11 की औसत से रन बनाने होंगे। किफायती गेंदबाजी वहां पर, देखिए विजय की ओर से पहले ओवर से केवल 3 रन खर्च किए गए, दो सफलताएं, महत्वपूर्ण सफलताएं हासिल की गई। देवांग, देखिए देवांग केदरिया को शामिल किया गया है, खूबसूरत गेंदबाज है, लंब अनुभवी गेंदबाज को शामिल किया गया है। तीसरे क्रम के महत्वपूर्ण गेंदबाज, फील्ड रिस्ट्रिक्शन खोल दिए गए हैं, 5 खिलाड़ियों को शामिल किया गया है 30 गज सीमा के बाहर। डीप एक्स्ट्रा कवर, लॉन्ग ऑफ, लॉन्ग ऑन, डीप मिड विकेट, डीप स्क्वायर लेग। नो बॉल का इशारा अंपायर द्वारा, 6 रनों में तब्दील होती हुई गेंद, खूबसूरत देखिए यहां पर 9 बॉल को 6 रनों में तब्दील किया, मतलब 7 रन जोड़े जाएंगे स्कोर कार्ड के ऊपर। स्कोर जा पहुंचा है 33-33 रन, फ्री हिट भी मिलेगी सामने, पिंटू मौजूद है देखिए। क्या खूबसूरत, इस बार 5 स्ट्रोक खेला गया है, स्ट्रेट ड्राइव, स्ट्रेट लॉन्ग ऑफ के ऊपर से 6 रनों का इशारा अंपायर द्वारा। अब जा पहुंचा स्कोर 39,
39 रन देखे। दूसरे ओवर से केवल 3 रन खर्च किए गए थे। पहली गेंद पर, तीसरे ओवर की पहली गेंद पर 13 रन बटोर चुके हैं द अचीवर्स। क्या खूबसूरत बल्लेबाजी। स्लोअर डिलीवरी, रिवर्स स्वीप, इस बार डीप पॉइंट के स्थान पर 4 रन। क्या खूबसूरत बल्लेबाजी की जा रही है। महंगा ओवर साबित होता हुआ देवांग के दरिया 4 रनों के साथ स्कोर इस बीच आगे बढ़ता 43-43 रन। क्या खूबसूरत बल्लेबाजी की जा रही है। चौतीस गेंदों में 49 रनों की दर, रिक्वायर्ड रन रेट की अगर बात की जाए तो 8.65, मतलब करीबन 9 रन प्रति ओवर के हिसाब से बल्लेबाजी करनी होगी द अचीवर्स को। बैकवर्ड स्क्वायर लेग रखा गया है, डीप वाइड लेग, डीप स्क्वायर लेग, डीप मिड विकेट लॉन्ग ऑन। यह क्या खूबसूरत इस बार पुल स्ट्रोक खेला गया है। जमीन के समानांतर रूप से गेंद जाती हुई वहां पर शॉर्ट फाइन लेग के स्थान पर, जब तक कि फील्ड किया गया, ओवर आर्म थ्रो दिया गया, तब तक एक रन। इस एक रन के साथ द अचीवर्स 44-44 रन, 2 विकेट के नुकसान के ऊपर पारी का है। तीसरा ओवर प्रगति के ऊपर, गेंदबाजी के ऊपर है देवांग केदारिया। गेंदों में 18 रन खर्च कर चुके हैं, महंगा ओवर साबित होता हुआ। यह स्लोअर डिलीवरी, यह बेहतर गेंदबाजी, डॉट गेंद में तब्दील होती हुई गेंद, स्कोर रुका हुआ 44-44 रन। पारी का ये ओवर नंबर 3, सामने परेश मौजूद इस बार। वाइड बॉल का इशारा सुनिश्चित किया जा रहा है अंपायर द्वारा, अतिरिक्त रन जरूर जोड़ी जाएगी स्कोर कार्ड के ऊपर। इस बार लेग स्टंप से बाहर निकलती हुई गेंद स्कोर कार्ड के ऊपर स्कोर जा पहुंचा है 45-45 रन। क्या खूबसूरत पुल किया गया इस बार, डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग के ऊपर से 6 रन। बेहतरीन बल्लेबाजी परेश, अब परेश का बल्ला चला है, देखिए स्कोर जा पहुंचा है 51-51 रन। 2.5 गेंदों पर 51 रन, ये फास्टेस्ट अर्धशतक माना जाएगा इस टूर्नामेंट के दौरान। बॉल प्रोवाइड किया जाए प्लीज, पुरानी बॉल प्रोवाइड की जाए। यह महंगा ओवर साबित होता हो, देखिए पिछली 5 गेंदों में 25 रन खर्च कर चुके हैं देवांग केदरिया। काफी महंगा ओवर साबित होता हुआ। बेहतरीन बल्लेबाजी, दोनों छोरों से बल्लेबाजी की जा रही है, देखिए रन बटोरे जा रहे हैं। 51-51 रन, पारी का ये तीसरा ओवर। ये फुल टॉस गेंद, हवा में गेंद नीचे, क्या खूबसूरत कैच लिया गया। महत्वपूर्ण विकेट परेश को चलता किया है इस बार अंतिम गेंद के ऊपर। 3 ओवरों की समाप्ति के बाद द अचीवर्स 51-51 रन, 3 विकेट के नुकसान के ऊपर पीछा किया जा रहा है 92-92 रनों का। 30 गेंदों में 41 रनों की दरकार। वीरेन वेलनपुर को शामिल किया जा रहा है, देखिए नए बल्लेबाज के तौर पर। अब रिक्वायर्ड रन रेट की अगर बात की जाए तो 8.20। वीरेन मौजूद है वहां पर, पिंटू भी मौजूद है। क्या खूबसूरत बल्लेबाजी करते हैं दोनों ही बल्लेबाज। 30 गेंदों में 41 रनों की दरकार। जिगर आए हैं, देखिए कोटे का उनका ये दूसरा ओवर पारी का चौथा ओवर लेकर बॉलिंग मार्क के ऊपर। जड़ों में डाली गई गेंद, क्या खूबसूरत देखे डॉट गेंद में तब्दील होती हुई, परफेक्ट ये यॉर्कर मानी जाएगी। देखिए ब्लॉक में डाली गई गेंद, डॉट गेंद के साथ ओवर की शुरुआत की जा रही है। जिगर कोटे का दूसरा ओवर पारी का चौथा ओवर लेकर आए हैं बॉलिंग मार्क के ऊपर। सामने पिंटू पटेल मौजूद है, 9 सेकंड के ऊपर वीरेन मौजूद। फील्ड की अगर बात की जाए तो डीप कवर, लॉन्ग ऑफ, लॉन्ग ऑन, डीप मिड विकेट और डीप स्क्वायर लेग। आगे आकर स्ट्रोक को खेला गया है, क्या खूबसूरत सिक्सर इस बार। वाइड इज लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइंस की दिशा में,
छह रनों के साथ द एचीवर्स 57 रन अब 28 गेंदों में 35 रनों की दरकार। फासला रनों का कम होता हुआ अब रिक्वायर्ड रन रेट की अगर बात की जाए तो 7.50। करने का प्रयास हवा में गेंद देखिए भाग्य का सहारा ये कैच छूटा है या मैच छूटा है देखना होगा आगे आने वाली ओवर उसमें महत्वपूर्ण कैच छूटता हुआ पिंटू पटेल जो कि सेट बल्लेबाज है 8 गेंदों का सामना किया है 25 रनों पे नाबाद खेल रहे हैं जिसमें 3 सिक्सर 1 चौका शामिल क्या खूबसूरत बल्लेबाजी की जा रही है पीछा करते हुए 92-92 रनों का 27 गेंदों में 34 रनों की दरकार। लो फुल टॉस गेंद क्या खूबसूरत हुक क्या खूबसूरत क्रॉस बैटेड स्ट्रोक को खेला गया 6 रनों का इशारा अंपायर महोदय की ओर से स्कोर जा पहुंचा था एचीवर्स 64-64 रन पारी का ओवर नंबर 4 गेंदबाजी के ऊपर जिगर ये महंगा ओवर साबित होता हुआ अब 26 गेंदों में 28 रनों की दरकार। देखिए 26 गेंदों में 28 रनों की दरकार स्ट्रेट ड्राइव हवा में गेंद फील्डर मौजूद वहां पर इस बार लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइंस के ऊपर कैच लिया गया ये कैच के साथ देखिए वापसी की जा रही है वीरेन वेलनपुर देखिए काफी हद तक नाखुश होते हुए 64 रनों पे लगने वाला है चौथे विकेट का नुकसान 25 गेंदों में 28 रनों की दरकार है। अजय को भेजा जा रहा है नए बल्लेबाज के तौर पर मिडिल ऑर्डर के कई प्रमुख बल्लेबाज है टेप आउट करके खेलने का प्रयास अपने ही फॉलो थ्रू में देखिए क्या खूबसूरत फील्डिंग की गई डॉट गेंद के साथ देखिए ओवर की शुरुआत समाप्ति की जा रही है 4 ओवर की समाप्ति के ऊपर स्कोर जा पहुंचा है 64-64 रन 4 विकेट के नुकसान पर अब 24 गेंदों का शेष खेल बाकी रहा है 28 रनों की दरकार है इस मैच को जीतने के लिए द एचीवर्स को रिक्वायर्ड रन रेट की बात की जाए तो प्रति ओवर 7 के औसत से खेलना है। पानी के साथ देखिए कुछ मैसेजेस भी दिए जा रहे हैं वहां पर कप्तान मुकुंद राय चौधरी द्वारा सामने बल्लेबाज पिंटू पटेल नॉन स्ट्राइक एंड के ऊपर अजय अब आगे के हाल के लिए हमारे साथ जुड़ जाएंगे हमारे साथी कमेंटेटर रवि मिस्त्री सर ओवर टू रवि मिस्त्री सर थैंक यू धन्यवाद साथी कमेंटेटर्स कल्पे चौधरी सर आने वाली 24 गेंदों के ऊपर चाहिए अब इस बार कट किया है शॉट थर्डमैन के ऊपर फील्डर तैनात किया गया था आने वाली 23 गेंदों के ऊपर 26 रन चाहिए स्कोर जा पहुंचा है 66 रन 4 विकेट के नुकसान के ऊपर पांचवा ओवर प्रगति के ऊपर भी है इस बार फ्लिक किया है देखना होगा चौका बचा पाएंगे कि नहीं और सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए गैप ढूंढा और चौका मिलता हुआ ये बहुत ही खूबसूरत चौका ढूंढते हुए पिंटू जो पिंटू 10 गेंदों के ऊपर 31 रनों की पारी खेली जा रही है अपने व्यक्तिगत स्कोर के ऊपर भी अब स्कोर जहां पहुंचा है 70 4 विकेट के नुकसान के ऊपर आने वाली 22 गेंदों के ऊपर 22 चाहिए इस बार फुल टॉस गेंद जमीन के समान अंतर स्ट्रोक को खेला गया है और यहां पर थोड़ी सी फंबल देखने को मिलते हुए काफी अच्छा थ्रो भी दिया गया है बंटी नायिका की ओर से अब 21 गेंदों के ऊपर 21 रन चाहिए 71 रन 4 विकेट के नुकसान के ऊपर भी है ये बड़ा मुकाबला भी है दोनों की टीम के बीच में और इस बार बल्ले का अधूरी किनारा लगा कोई रन नहीं डॉट गेंद
जितनी डॉट गेंद रहेगी इतना दबाव रहेगा बल्लेबाजी वाली टीम के ऊपर, अजय और पिंटू के ऊपर, कि जितनी डॉट गेंद हो वो दबाव बढ़ता रहेगा। और इस बार उड़ाया है, देखना होगा हवा में गेंद है, देखना। और ये बढ़िया कैच, तारीफ करनी होगी, कार्बन कमाल कैच, ये मेहनत रंग लाती है। काफी बढ़िया कैच लिया गया, तारीफ के काबिल है साजिद भाई। ये क्रिकेट अनिश्चितताओं से भरा भी खेल है, जहां तक अंतिम गेंद ना डाली जाए, अंतिम गेंद खेली ना जाए, तब तक जीत और हार का फैसला नहीं हो सकता है ये क्रिकेट में। ये क्रिकेट अनिश्चितताओं से भरा भी खेल है। बल्लेबाज को मैं विनती करना चाहूंगा कि जल्द से जल्द मैदान के ऊपर पहुंचे। केयूर रनिंग बिटवीन करो, 71.5 विकेट के नुकसान के ऊपर भी है। अब 19 गेंदों के ऊपर 21 रन चाहिए। अब बहुत ही खूबसूरत कैच लिया गया है हिरेन नायका की ओर से, तारीफ के काबिल है। अपना 100% दिया जा रहा है फील्डिंग में, अच्छे काफी अच्छी एफर्ट भी लगाई गई है फील्डिंग में। यही रन आखिरी ओवर में काम आते हैं। और इस बार गेंद कहीं, बल्ला कहीं, कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना है, ऐसा देखने को मिलता हुआ। ओवर की भी समाप्ति हो चुकी है, 5 ओवर की समाप्ति पे स्कोर जा पहुंचा है 71 5 विकेट के नुकसान के ऊपर। आने वाली 18 गेंदों के ऊपर 21 रन चाहिए, जो रिक्वायर्ड रन रेट की बात छेड़ी जाए तो 7 की है। प्रति ओवर 7 रन चाहिए यह मैच जीतने के लिए बल्लेबाजी वाली टीम को। यहां से विकेट भी लेना जरूरी होगा फील्डिंग वाली टीम की ओर से, और बल्लेबाजी वाली टीम की ओर से एक या दो छक्के आएंगे ये तो मैच में वापसी कर लेंगे। तो ये बहुत ही निर्णायक ओवर भी रहेगी ये बजरंग 11 की ओर से भी। और इस बार शॉर्ट आर्म फुल खेल दिया है, शॉर्ट फाइन लेग के ऊपर से स्ट्रोक को खेला गया, एक टप्पा दो टप्पा सीमा रेखा के बाहर, 4 रनों के लिए अंपायर अर्जुन सर की ओर से चौका दिया गया है। अब स्कोर जा पहुंचा है 75 75 रन 5 विकेट के नुकसान के ऊपर। जो पिंटू 12 गेंदों के ऊपर 36 रनों की पारी खेली गई, उसमें 3 चौके और 3 छक्के शामिल भी है। रिक्वायर्ड रन रेट 6 की हो चुकी है, जो चौका आ चुका है पहली गेंद के ऊपर, शॉर्ट गेंद डाली गई थी। और इस बार फिर से हवा में गेंद, शॉट एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से स्टोक को खेला गया, एक ही रन से संतुष्ट रहना पड़ेगा। अब स्कोर जा पहुंचा 76। अब गेंदे भी सोल है और रन भी 16 चाहिए। अब गेंदे भी 16 बचे है और रन भी 16 बचे है। बहुत ही बढ़िया गेंद, डॉट गेंद, जितनी डॉट गेंद रहेगी वो दबाव बढ़ता रहेगा बल्लेबाजी वाली टीम के ऊपर, केयूर लालू के ऊपर। जो दबाव में बल्लेबाजी भी की जा रही है केयूर लालू की ओर से। इस बार फिर से जगह बना के स्ट्रोक को खेलना चाहते थे, एक अतिरिक्त गेंद डॉट निकलती हुई, जो दबाव बढ़ता हुआ। 14 गेंदों के ऊपर 16 रन चाहिए। अब जो रिक्वायर्ड रन रेट बढ़ चुकी है 6.86 की हो चुकी है। डॉट गेंद, लगातार 3 गेंद डॉट हो चुकी है, देख लीजिए आप दबाव, देख लीजिए लगातार 3 गेंद डॉट हो चुकी है। अब आखिरी गेंद है ये इस ओवर की भी, 13 गेंदों में 16 रन चाहिए। अब 13 गेंद 16 रन चाहिए, 7.38 की हो चुकी है। इसमें फिर से लगातार 4 गेंद डॉट हो चुकी है। अब आने वाली 12 गेंदों के ऊपर 16 रन चाहिए, रिक्वायर्ड रन रेट हो चुकी है अब 8 की, प्रति ओवर 8 रन बनाने होंगे ये मैच जीतने के लिए। यहां से प्रेजेंस ऑफ माइंड रखना बहुत ही जरूरी है दोनों ही टीम को, चतुर चालाक वाली बल्लेबाजी करनी होगी, सिंगल भी लेने होंगे, दुक्के भी लेने होंगे, फील्डिंग वाली टीम की ओर से अच्छी गेंदबाजी भी करनी होगी, विकेट भी लेनी होगी।
वैसे तो बल्लेबाजी के ऊपर मुकुंद चौधरी आने वाले बाकी है, मिहिर पटेल आने वाले बाकी है अगले बल्लेबाज के रूप में, दलूभाई भी आने वाले बाकी है बल्लेबाजी के ऊपर, ऐसे दमखम वाले बल्लेबाज भी है। गेंदबाजी के ऊपर अब साहिल को शामिल किया गया है, पांचवें गेंदबाज को शामिल किया गया है सातवें ओवर में, 12 गेंदों के ऊपर 16 रन चाहिए, एक चिल्लाहट नजर आ रही है खेमे में से मुकुंद चौधरी की ओर से। और इस बार 100 गेंद डाली थी, देखना होगा लॉन्ग ऑफ के ऊपर से 6 रन, अब 11 गेंदों के ऊपर 10 रन चाहिए, 11 गेंद 10 रन। यहां से प्रेजेंस ऑफ माइंड रखना बहुत ही जरूरी भी है क्रिकेट में। और इस बार फिर से फुल टॉस गेंद और एक टप्पा खाने के बाद सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए, जो पिंटू की बात छेड़ी जाए तो अपने 50 रन से 3 रन दूर है अर्धशतक से, और आने वाली 10 गेंदों के ऊपर 6 रन चाहिए, और पिंटू के व्यक्तिगत स्कोर है 47 रन, 15 गेंदों के ऊपर 47 रन, कम गेंदों के ऊपर ज्यादा रन बनाए गए हैं पिंटू की ओर से। इस बार काफी अच्छी गेंद, जगह बना के स्टोक को खेलना चाहते थे, अब 9 गेंदों के ऊपर 6 रन चाहिए, अब स्कोर क्या पहुंचा 86 रन, जीतने के लिए 6 रन चाहिए, एक छक्का चाहिए, एक लंबी हिट चाहिए साजिद रावत सर। और इस बार फुल टॉस गेंद 6 के साथ अपने अर्धशतक भी पूरा कर दिया, 50 रन की पारी खेली गई, अर्धशतक जड़ दिया है पिंटू ने, 17 गेंदों के ऊपर 53 रनों की पारी खेली गई, यार आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस इन पिंटू पटेल, एक मैच विनिंग पारी खेली गई, ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की गई, विस्फोटक विश्वसनीय, जो मुकुंद चौधरी ने विश्वास रखा था वो विश्वास कायम रखा है अपनी टीम के लिए और खुद के लिए भी, बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान पिंटू पटेल की ओर से, तारीफ करनी होगी पिंटू पटेल की, जो ऊपरी क्रम के ऊपर बल्लेबाजी के लिए भेजा गया वहां खड़े उतरे है, जिक अच्छी स्पॉर्टमैनशिप भी दिखाई है दोनों ही टीम ने, तारीफ करनी होगी। आज का मैच समाप्त होता हुआ